तिरुप्पुर कुमारन जिस नाम से वो जाने जाते हैं, वो एक बुनकर परिवार में पैदा हुए थे। कुमारस्वामी मदलियार चेन्नामलाई से थे, जिसे आज तमिलनाडु में इरोड के नाम से जानते हैं। जब स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ने लगा, तब कुमारन महात्मा गांधी के सिद्धांतों और आदर्शों से बहुत प्रेरित हुए और उनसे गहराई से जुड़े। उन्होंने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और देश बंधु युवा संगठन की स्थापना की, जिसने तमिलनाडु और उसके आसपास के हजारों युवाओं को आकर्षित किया जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। उन्होंने पूरे तमिलनाडु में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे विरोध प्रदर्शन आयोजित किए और बहुत से लोगों को प्रेरित करते रहे। बॉम्बे में हुई महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में तमिलनाडु सहित पूरे देश में दंगे और प्रदर्शन हुए। ऐसा ही एक विरोध प्रदर्शन तिरुप्पुर में हुआ, जिसमें कुमारन ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारी देशभक्ति के गीत गा रहे थे, जैसे सुब्रमण्यम भारती का गीत अच्छमिल्लई अच्छमिल्लई, जिसका मतलब है मुझे कोई डर नहीं है। उन्होंने भारत का राष्ट्रीय झंडा भी फहराया, जिस पर उस समय प्रतिबंध था। पुलिस गुस्से में आ गई और उन्होंने क्रूरता से लाठी चार्ज किया, जिसमें बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कुमारन के सिर में गहरी चोट लगी और वे गिर पड़े, पर उन्होंने राष्ट्रीय झंडे को नहीं छोड़ा और उसे जमीन पर गिरने नहीं दिया। अगले ही दिन 27 की छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी तमिलनाडु में उन्हें प्यार से कोड़ी कथा कुमारन के नाम से याद किया जाता है, जिसका मतलब है कुमारन जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय झंडे के सम्मान की रक्षा की। तिरुप्पुर में ये घटना नोयल नदी के किनारे ही हुई। नोयल नदी ईशा योग केंद्र के बहुत ही पास से गुजरती है और इसीलिए कुमारन कोड़ी कथा कुमारन हमारे हृदय को भी बहुत प्रिय हैं। नमस्कार।